हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोहसिन भाई की वाइफ बोलती है कि हम मदद नहीं करेंगे, आप लोग जाओ। ये वोट लेने के लिए तो बराबर इधर एरिया में आते हैं, जब हम मदद के लिए जा रहे तो हमको भगाया जा रहा है। पहली बार तो मेरे घर पे दीवार गिरी थी, तो मेरे को 14 टाके आ गए थे। कोई नेता नहीं, कुछ नहीं किया नहीं, बस मेरी बॉडी का मेन पार्ट खोपड़ी टूट गई है मेरी। हमारे बाप के पैर कट गया, उनका अंगूठा चला गया। हम आए जू गली यहाँ पे 28 जुलाई के दिन, यहाँ पे घर गिर गया था, 5 लोगों जख्मी हो गए थे। ना ही लोगों का अभी घर बन के मिला है, ना ही लोगों को मेडिकल कोई हेल्प मिली है। आइए जानते हैं उनके घर वाले से क्या हुआ। खाला आपका? हमारे भाई का घर गिरा है और अभी तक कोई भी नगर सेवा किया, MLA कोई मदद नहीं किए। जहाँ के बोल रहे हैं बच्चे लोग, सब बोल रहे हैं, जाके घर वाले अप्लाई मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बना के देने की बात है, तो बोले ये इलीगल घर हैं, कहाँ से बना कर देंगे। आप उनके ऑफिस पे गए थे क्या? हम नहीं गए थे। कौन गए थे? आओ आगे। क्या तुम लोग, आप किसके ऑफिस पर गए थे? हम मोहसिन हैदर के ऑफिस पे गए थे। 4 दिन से तो फिर रहे, भाई तो नहीं मिले, उनकी वाइफ मिले, बोले ये इलीगल है घर, तो हम कैसा बना सकते, कहीं गवर्नमेंट भी नहीं बना सकती और हम लोग भी नहीं बना सकते, बोल के हम घर गिरने के टाइम पे आपको बोला गया था कि घर बना के हम लोग देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले थे, वो तो हादसा हो गया था बोल रहे लोग सब जन। लेकिन हादसा हुआ था, तुमको जब 4 बजे से मालूम था कि हमारा घर गिर रहा है तो तुमको इधर पे बोलना चाहिए, अपोजिट पड़ोसियों को पहले बोलना चाहिए कि बोले कि भाई हमारा घर गिरने वाला है, तुम लोग खाली करो। किसी का धोखा नहीं हुआ, किसी का जान नहीं गई, किसी का माल नहीं गया, लेकिन हमारे जान भी गई, हमारी माल भी गई है। हमारे बाप के पैर कट गया, उनका अंगूठा चला गया और हमारे भाई को ऑपरेशन लगे, प्लेट लगी आधा, मतलब बोलते हैं हैंडीकैप हो गया वो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है, किसी को कोई बोलने की जरूरत नहीं है। जिसका घर गिरा उसका क्या कहना है उसके बारे में? वो बोलता कि हादसा है बोले। कॉन्ट्रैक्टर? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर भी बोलता हादसा है बोले, चौकी में पैसा खिला दिया बोले, मैं चौकी से कोई कुछ होएगा नहीं बोले, हम लोग कहाँ से ला के देंगे बोले। आपने कुछ कम्प्लेंट वो किया है? हाँ, केस पेपर बना हुआ है, हमारा केस पेपर बना हुआ है, लेकिन जो ऑफिसर है वो छुट्टी पे है अभी, अब ऑफिसर आने के बाद हम लोग देखेंगे। और उस हिसाब से हम लोग मोहसिन भाई के यहाँ गए थे, तो उनकी वाइफ ने बोली कि अलीगल जगह पे तुम रह रहे हो बोले, अलीगल जगह पे हम नहीं कर सकते। अगर नगर सेवक ऐसा बोलेगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे जनता, हम तो मदद के लिए गए ना, तो आपका काम था कि हमारी मदद करे। मोहसिन भाई की वाइफ बोलती कि हम मदद नहीं करेंगे, आप लोग जाओ। ये क्या बात हो गई? वोट लेने के लिए तो बराबर इधर एरिया में आते हैं कि हमको वोट दो, हमको वोट दो, और जब हम मदद के लिए जा रहे तो हमको भगाया जा रहा है, ये कौन सी बात हो गई तुम्हारी? ये तो गलत है, जो गलत है तो गलत है। और किसको लगा था यहाँ पे? यहाँ पे भाभी को लगा, 2 बार दीवार गिर चुकी है। पहली बार तो मेरे घर पे दीवार गिरी थी, तो मेरे को 14 टाके आ गए थे। 2 बार गिर गया हमारे पर, 2 बार गिर गया, तीसरी बार तो पूरा गिर गया, मतलब चांस हमारा खतरा गिरने वाला है, चढ़ा दिया, फर्स्ट घर नुकसान हो रहा है। देखिए भाई को भी मार लगा है, भाई आपको कहाँ पे मार लगा है? मेरी बॉडी का मेन पार्ट खोपड़ी टूट गई है मेरी। डॉक्टर ने बोला ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा टेंशन मत लो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोहसिन भाई मदद नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है कि मेरे को मोहसिन भाई मार देंगे। अब उनका टेंशन लूँ, उनका सोचूँ, मेरे को सोचना टेंशन लेना मना है, मेरे को कोई हेल्प नहीं, मेरा घर टूट गया, मैं कहाँ रहूँगा, मैं काम पर नहीं हूँ, मेरा घर कैसे चलेगा, क्या होगा? ये सेकेंड एक्सीडेंट है, फर्स्ट टाइम इनके साथ रो चुका है, बोलने के बाद भी भाभी पहली बार इनके साथ अच्छा हुआ। इनको तो जवाब दे दिए थे, डॉक्टर ने बोले थे कि बचना मुश्किल है, फिर भी ऊपर वाले की मर्जी कि बच गए उनका ऑपरेशन होने के बाद। क्या हो गया आपका? दुकान जो है ही गिरा, कुछ भी सामान उसके अंदर से हम नहीं निकाले, अभी सारा जो है उसके अंदर ही है, अभी तक हम खोल कर नहीं देखे क्या है वो, दुकान जो था उसके अंदर ही सामान पूरा है। नुकसान हुआ है बहुत, हमारा फ्रिज उसके अंदर 3-3 फ्रिज है, हमारा 50-50 हज़ार का एक फ्रिज आता है हमारा। परसों जो बारिश हुई थी, बारिश में मेरे माँ बाप ऐसे भीगते हुए पूरी रात बैठे, घर से बेघर हो गए, लेकिन क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहे ना, बीड़ी मिले ना, सॉरी क्या बोलते हैं ना, चौकी वाला कुछ कर रहे हैं ना, मोहसिन भाई लोग कर रहे हैं। मीडिया से रिक्वेस्ट है कि जहाँ मोहसिन भाई की जरूरत है, मोहसिन भाई वहाँ ध्यान नहीं दे रहे, और बाकी एम ए स्कूल पेपर। मोहसिन भाई से भी हम लोग इसीलिए बात करेंगे आगे के लिए कि आपका क्या नुकसान होगा, हम भी बोलेंगे उनको कि जो भी घर नुकसान हो उनको भर के देने के लिए, ठीक है।
हमको यहाँ जरूरत है, यहाँ ध्यान नहीं दे रहे वहाँ पे, नहीं दे देंगे वो भी ध्यान, यहाँ पे घर गिरा हुआ है, इनका भी काफी घर का नुकसान है। क्या हो गया भाई आपके घर? पूरा रूम रूम के ऊपर इनका रूम गिरा, पूरा रूम गिर गया ऊपर। घर कॉन्ट्रेक्टर या घर मालिक को बोले नहीं सब? बोला वो अभी बोला वो कहा बना के देंगे बोल के, अभी बोलते वो भाग गया है ही नहीं, अभी किसको पकड़ देगा? कंप्लेंट वो नहीं किया? कंप्लेंट अभी वो लोग सब लिख के गए थे जब यहाँ पे आए थे वो बीएमसी। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद कुछ नहीं, कोई आया नहीं, हाँ बोले बना के देंगे तुमको, ऐसा काली बोल के चले गए। हमारे घर पे ये भी घर टूट गया था मेरा, ये घर था, हाँ ये मैं खुद, मेरे पूरा बारिश नीचे ऊपर पानी पानी था, अब मैं आप मेरा पैसा खर्चा करके मैं खुद बनाए, कोई नेता नहीं कुछ नहीं किया नहीं, बस ऐसे आते जाते दो बार गिरा मेरे घर पे, घर दो बार मैं खुद अपने पैसे से बनाया। ठीक है, गली न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत समीर शेख, गली न्यूज़।